स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोग बेसब्री से इस क्रिसमस और न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग खूबसूरत डेस्टिनेशन की ओर रुक करने की तैयारी में है, जिसके लिए क्वीन ऑफ हिल्स यानी मसूरी को सजाया जा रहा है। होटल से लेकर बाजारों तक साज सजावट की जा रही है। क्रिसमस और नव वर्ष पर भारी तादाद में पर्यटक मसूरी पहुंच सकते हैं, जिनके स्वागत के लिए मसूरी तैयार हो रही है। होटल में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। एक तरफ पर्यटक त्योहार को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी भी पर्यटकों को आकर्षक पैकेज के साथ लुभाने में लगे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटल में बुकिंग शुरू हो गई है। 30 से 40% बुकिंग पूरी हो चुकी है। तो वहीं व्यापारी अजय राव का कहना है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर दूर दूर से पर्यटक यहां आते हैं, जिससे यहां के व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि होती है। करना चाहेंगे डीएम मैम, जो कि हमारी अध्यक्ष हैं कार्निवल समिति की, जिन्होंने हमारे निवेदन पर तुरंत एसडीएम सर को निर्देशित किया और कहा कि विंटर लाइन कार्निवल की मीटिंग होल्ड कीजिए और सुचारू व्यवस्था कीजिए, कार्निवल होना चाहिए। पिछले 10 साल से कार्निवल मसूरी शहर में होता आ रहा है। सिर्फ एक साल कोरोना के तहत शहर में कार्निवल नहीं हुआ था। ये कार्निवल 26 से लेकर 30 तक 5 दिन का आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से कार्निवल के तहत व्यवसायियों को, होटलियर्स को, शॉपकीपर्स को, प्रत्येक शहर के जो भी बाशिंदे हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको किसी ना किसी रूप से फ़ायदा मिलता है। बुकिंग्स भी हमारी बढ़ती हैं। फिलहाल अभी हमारी कार्निवल के नए साल की लगभग 30 से 40% बुकिंग्स हैं, परंतु हम उम्मीद करते हैं कार्निवल के सहयोग से हमारी शहर 5-7 दिन जो है लगभग फुल रहने की हमको आशा है। मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है और इसी बीच अगर हमको बर्फ़ पड़ गई इस पीरियड में, तो उससे चार चांद लग जाते हैं, टूरिस्ट की मात्रा बढ़ जाती है। होटलियर्स का सहयोग हमेशा से रहा है, इस वर्ष भी रहेगा, आगे भी रहेगा। हम लोग का सहयोग आर्थिक रूप से भी होता है, जो कि हम, जैसा आप एजिम सर ने निवेदन किया है, हम अपने मेम्बरान से निवेदन करेंगे कि जो जिसने लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट किया है, इस बार थोड़ा सा उसमें वृद्धि करें, ताकि हमारा कार्निवल सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। 26, 23, 28, 29 में जो है ये मॉल रोड पे अत्यधिक दबाव रहता है पर्यटक का और व्हीकल्स का, इसलिए हमने निवेदन किया है कि अगर हमारा फूड कार्निवल जो है 3 दिन का, हर साल के मुताबिक इस बार भी पर्यटक सीजन बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये विंटर कार्निवल जो हर साल होता है वो इस साल भी आयोजित किया जा रहा है एसडीएम के माध्यम से। तो हर बार की तरह इस बार भी विंटर कार्निवल बहुत ही अच्छे तरीके से अगर करा जाए तो हमेशा यहाँ पर टूरिस्ट अच्छा आता है। और जैसा कि होटल एसोसिएशन वालों ने बोला कि सारी बुकिंग्स हो रखी हैं, अच्छे अच्छे सारी होटल जितने फुल हैं, तो उससे हमारा जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चलता है और ये 5-6 दिन हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। है ये नया साल हो गया, क्रिसमस हो गया और ये विंटर कार्निवल एक साथ ही आते हैं सारे सारे, तो इन दिनों मतलब ये लगा लो 10 से 12 दिन हमारा जो काम है बहुत अच्छा चलता है। और मैं तो सभी लोगों से गुजारिश करूँगा यहाँ पर आइए और विंटर कार्निवल का आनंद उठाइए, क्योंकि विंटर कार्निवल यहाँ पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एक विंटर लाइन निकलती है जो सिर्फ 2 ही जगह देखी जाती है, एक तो मसूरी में, स्विट्जरलैंड में, तो ये 2 जगह देखी जाती है। पौड़ी के बने गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पोरी ने शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख खलजी खाल बीना राणा और विधायक प्रतिनिधि मनोज नैथानी भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, देश के गांव-गांव तक विकास की बयार बह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। कार्रवाई होनी चाहिए और मैंने अभी अपने जो हमारे कलजखाल के यहां पर विकास खंड अधिकारी हैं, मैंने उनसे भी यही बात कही है और अभी मैं पौड़ी जाके फिर डीएम से भी बात करूंगा कि जो ये कार्यक्रम है ये केवल कार्यक्रम बन के न रहे, इसमें जो सक्षम अधिकारी हैं विभाग के उनको जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को उसकी जानकारी मिल सके। केवल खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए कार्यक्रम, और इसके लिए जो है
डीएम से बात करेंगे, अन्य अधिकारियों से भी बात करेंगे। पहले तो मैं सर्वप्रथम आज विकासखंड कलसीखाल के अंतर्गत यहाँ पर दो कार्यक्रम हुए। पहला बनेक में न्याय पंचायत पंचाली के अंतर्गत और ये दूसरा कार्यक्रम है बेटपानी ग्राम सभा में। तो ये आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया है संकल्प यात्रा, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से, तो इस यात्रा में हम सब लोग चल रहे हैं और इसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर साथ में चल रहे हैं। मैं बिल्कुल महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, हर टाइम खड़ी रहती हूँ और महिलाएं जो भी समस्या लेकर हमारे ब्लॉक में आती है सभी का हम ध्यान रखते हैं कि किसकी कौन सी समस्या है और जो अभी यहाँ पर समस्याएं महिलाओं ने अभी बताई हैं उसका भी हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। और हमारे वीडियो 24 घंटे ब्लॉक में बैठे रहते हैं तो ये अपनी समस्या लेकर ब्लॉक में जाएं। वीडियो साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि आप लेकर आइए समस्या, उसका हम निस्तारण करेंगे। उत्साह है और जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा एक हमारी महिला ने गाना गाया कि 2024 में हमने फिर से मोदी जी को जिताना है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। बात करेंगे हम शिक्षा विभाग से कि कैसे मतलब कैसे टीचर्स को यहाँ पर परमानेंट किया जाए, जैसे अभी टेम्परेरी टीचर है तो शिक्षा विभाग से बात की जाएगी कि अभी परमानेंट टीचर रखा जाए और जो ये जंगली जानवर है इसके देखेंगे कोई फेंसिंग की व्यवस्था हो सकती है तो हम करेंगे। सर बात ऐसी है कि हम लोग तो रोड में रहते लेकिन जो स्कूल है तो टीचर 4 दिन एक टीचर आ रहा है फिर 4 जब तक बच्चा उसको समझ रहे तब तक दूसरा टीचर बदल दे रहे हैं, उसको समझ रहे तब तक दूसरा, मतलब यहाँ पर टीचर व्यवस्था पे चल रहा है, परमानेंट टीचर नहीं है यहाँ पर, एक समस्या तो ये। दूसरी समस्या गांव में पानी की समस्या के महेड़ अमेली बेट गांव तीनों ग्राम सभा का पानी लेकिन ऊपर से लोग पानी नहीं, बिल्कुल इस दिसंबर जनवरी में भी जनता पानी से बहुत परेशान है, बेट पानी की जनता पानी से बहुत परेशान है। दो समस्या थी इनकी ये हो गई। देखेंगे जो 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 लोग आ रखे हैं उनके हम सुन रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं, विधायक जी को अपनी समस्या बता रहे हैं और ये क्या वो जो ब्लॉक से आ रखे हैं वीडियो क्या है वो साहब जी वो आ रखे तो उनकी समस्या वो हमारी बात समझ रहे हैं, हम उनकी बात समझ रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि आप आइए आपकी समस्या हल हो जाएगी, जो भी मेरे पास बताओ हम करेंगे, तो अब हम उनकी बात हमने समझ ली। उत्तरकाशी में परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दरअसल उत्तरकाशी में स्टेज कैरेट परमिट से संचालित बसों के ड्राइवर और मालिक परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। बस के ड्राइवर और मालिक शादियों और पार्टियों के लिए बस का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि स्टेज कैरेट परमिट से संचालित बसों का कॉन्ट्रैक्ट में संचालित करने के लिए परिवहन कार्यालय से अस्थायी परमिट लेना होता है जिसके लिए परिवहन कार्यालय में शुल्क जमा करना होता है, उसके बाद ही ऐसी बसों को शादियों और पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्टेज कैरेज बसों के ने टैक्स और परमिट शुल्क बचाने के लिए बिना परमिट बसों का संचालन किया। जब परिवहन विभाग को मामले की जानकारी हुई तो विभाग एक्शन मोड में आ गया और टीम बनाकर चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। वरिष्ठ प्रशासनिक परिवहन अधिकारी रूपेश गढ़वाली ने कहा कि इस तरह अवैध रूप से संचालित होने वाली बसों पर आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ने पर इनका लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा। आज उत्तरकाशी आरटीओ द्वारा जो लोकल परमिट बसों पर कार्रवाई की गई है हम उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि लोकल परमिट बसें जो हैं वो कम टैक्स में लोकल परमिट के लिए उनको परमिट मिला गया मिलता है, लोकल सवारियों के लिए परमिट मिलता है और वह लोग कॉन्टैक्ट परमिट की बुकिंगों को ढो रहे हैं, शादी बरातों में गाड़ियाँ भेज रहे हैं और हम लोगों के जो कि हम लोग कॉन्टैक्ट परमिट के वाहन स्वामी हैं हमारे हितों को मार रहे हैं, हमारे काम को छीन रहे हैं। इसके खिलाफ जो आरटीओ द्वारा जो कार्रवाई की गई इसकी हम सराहना करते हैं और सरकार से और आरटीओ से अपील करते हैं कि बार बार समय समय पर वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहें और इसी प्रकार से इन लोग। अल्मोड़ा में विद्युत संचालित शवदाह का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है, जिसका निर्माण कार्य आखिरी चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी इलाकों में पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना की घोषणा की थी जिसके तहत अल्मोड़ा में विद्युत संचालित शवदाह का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। देखिए अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में जो शव है उनका अंत्येष्टि जो है विश्वनाथ घाट पे की जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत विश्वनाथ घाट पर लगभग 1.39 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह केंद्र का निर्माण कार्यदायी संस्था CNDS द्वारा भी गतिमान है और कहीं ना कहीं इस योजना के पूर्ण होने से पर्यावरण संरक्षण में
हमें मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। पौड़ी में शहीद स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राजकुमार पोरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत पाक युद्ध के वीर शहीदों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने 16 दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध में देश के वीर सैनिकों के साहस को नमन करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुषमा रावत, एडीएम इलागिरी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश वरसवाड़ और तमाम लोग मौजूद रहे। जब हम लोगों ने, हमारी भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध पर विजय प्राप्त की थी 16 दिसंबर को, इस अवसर पर इस दिन को हम जो है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ पर ये कार्यक्रम अभी उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और हमारे देश की रक्षा की। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा और सभी विभागों के पुलिसकर्मी और अन्य विभागों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हमारे जो है कैडेट छात्र भी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का इस दिन में जो विजय दिवस को मनाते हैं 1971 की लड़ाई में जो भारत की पाकिस्तान पर विशाल विजय हुई और बांग्लादेश को हमने जो है जो कि पहले पूरी पाकिस्तान कहलाता था वहाँ पर जो दमनकारी गतिविधियाँ पाकिस्तान के द्वारा हुई थी उनको हमने एक स्वतंत्र देश का जो अस्तित्व प्रदान किया। तो भारत की सेना ने गौरवशाली काम किया। इस दिन हम उन सभी को शहीदों को अपने सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और हम इस उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं कि जिसे सैनिक भवन बने के नाम से जाना जाता है और जहाँ ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है जैसे जसवंत सिंह, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, मैं उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को कि जिन्होंने इन वीरों के लिए ये हमारे वीर सैनिकों के लिए कुछ सोचा है और वीर शहीदों की हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सैनिक धाम पांचवा धाम हमारा जो देहरादून में बना हुआ है और एक मेरी माटी मेरा देश का जो अभियान मोदी जी द्वारा चलाया गया है दिल्ली में बनस्थल जी के नाम से, वहां पर बहुत बड़ा पार्क बना है जहां पर कि सैनिकों के घरों से हम मिट्टी इकट्ठी कर वहां पर दिल्ली भेजी गई है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो अपने देश के लिए, गौरव के लिए, उसके धरती माँ के सम्मान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अभी हम ये सुन भी रहे थे कि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जो है पौड़ी जनपद से हमारे वीर सैनिकों ने जो है अपनी शहादत दी है और हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि सैनिकों के जो सम्मान के लिए, जैसे 1971 की लड़ाई के जो शहीद हैं उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि वो चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो राजकीय संस्थाएँ हैं, इंटर कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय है, हॉस्पिटल है, वो उनके जो शहीद पति हैं उनके नाम से उनका नामकरण किया जाए। आज तक सरकार ने एक काम ये नहीं किया जबकि लगातार वो लोग इस मांग को उठाते चले आ रहे हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से ये निवेदन रहेगा कि कृपया उनकी इस न्यायोचित मांग पर जरूर कदम उठाएं। बहुत अच्छे ढंग से हमारा स्वागत हो, हमें गर्व होंगे कि आज कल होना तो दुनिया से पीएस बैन हो चुका है, कहते हैं मतलब तो दवा बीमारी बीमारी कई चीज है ना, पर हम तो इन गर्व होंगे कि मुन तो सब हो पर हम आदमी अमर छन। अब उनका पिछले हमारे जब इज्जत होंगी दस भाई बंधु समझ मतलब हमें मान और सम्मान दू, हम तो बड़ो गर्व होंगे और हर आदमी का देश की सेवा इन निधन से जाना कोई बात नहीं, एक दिन होने का एक दिन है। रुड़की में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने की मांग की। नियमावली में होने के बावजूद सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन तक नहीं होता है जिससे कर्मचारी नाराज नजर आए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर 15 दिन के अंदर कोई विचार नहीं किया गया तो 1 जनवरी से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी डिमांड है, हम अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले हम लोगों ने डिमांड करी है। पिछले 2-3 वर्षों से हम लगातार कर रहे हैं
कि जितने भी सफाई कर्मचारी उत्तराखंड के निकायों में काम करते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर पंचायत हो, इन सबको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करते हुए, समिति संविदा से मुक्त करते हुए इन सबको परमानेंट किया जाए, इन सबके प्रमोशन के जो रास्ते हैं वो खोले जाएं, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी भर्ती होता है और सफाई कर्मचारी मर जाता है, क्या इनको अधिकार नहीं है प्रमोशन का, जबकि नियमावली में व्यवस्था है, उसके बावजूद भी 2000 के बाद कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि एक सफाई कर्मचारी भी प्रमोट हो सके। तीसरी हमारी डिमांड है कि इन सफाई कर्मचारी को या तो इनकी जमीन का मालिकाना हक मिले जो निकाय की भूमि पे हैं, अथवा इनको सरकार फ्लैट बना करके दे, और जिन सरकारी आवासों में सफाई कर्मचारी रहते हैं उसका भी। हरिद्वार के खानपुर में विधायक उमेश कुमार ने 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के जोड़े भी शामिल थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश कुमार ने बताया कि वो लगातार जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल कर उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे लोगों को कोर्ट से फटकार पड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों ने विधायक के प्रयास की सराहना की। इसके लिए मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हरिद्वार की जनता को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा, और हरिद्वार शहर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ना होते तो शायद इतना सफल कार्यक्रम ना होता। 50,000 लोग लगभग अपेक्षित हैं एट ए टाइम, आप देख सकते हैं 10,000-15,000 की भीड़ चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो है हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 60 जो हैं वो 56 जो हैं वो मुस्लिम कन्याएं जिनका निकाह जो है सराय में जो मदरसा है वहाँ कराया गया, और जो हमारी हिंदू कन्याएं, क्योंकि 121 हैं जो हमारी हिंदू कन्याएं, उनके लिए जो वेदियां आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर उनका विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा, और मुझे तो आशा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे और मेरे लिए खुशी के पल भी। विधायक जी ने जो काम कराया, शादी करा के इन्होंने बहुत अच्छा कराया, उनका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। काफ़ी फैमिली को सपोर्ट मिला अच्छे से, ये काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली होती है और कोई नहीं कर पाता इतनी अच्छी तरीके से शादी, उन्होंने बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ऐसा करा, बहुत शुक्रिया करता हूँ। काफ़ी फैमिली सपोर्ट मिला, एक जब भी बड़ा काम करते हैं शादी होती है निकाह और ये फिर और हिंदुओं की मुसलमानों की शादी बढ़िया करते हैं जी, खाना पीना सब बहुत बढ़िया जी, संविधान दहेज पे सारा बहुत बढ़िया करा दी उन्होंने विधायक जी ने, ये सब पता मिला लड़के वालों को, पता मिला था लड़के वालों नाम पे खबर करी उनको विधायक जी बहुत बढ़िया। खबर रुड़की से है, जहां लोक निर्माण विभाग ने सड़क का काम पूरा तो किया लेकिन उसके चंद घंटों बाद ही पाइप डालने के लिए सड़क की ड्रिलिंग की जाने लगी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण में उचित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे सड़क बनते ही इसमें गड्ढे करने शुरू कर दिए गए, पेमेंट की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर ठेकेदारों को दे दी जाएगी, लेकिन सड़क की हालत दोबारा वैसी ही हो गई। आप देख रहे होंगे सफेदा अभी पड़ा हुआ है और कल उधर का पार्ट बना, आधा जो पार्ट बना था ये वाला परसों शाम बना था, जिसमें कि कल शाम ही ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया। जब यहाँ ड्रिलिंग हो रही थी तो सड़क नहीं बननी चाहिए थी, जब पाइप बिछ रहे हैं किसी भी कंपनी के बिछ रहे हैं, तो ये जो जनता के पैसे की बंदर बाट हो रही है, आप देखिएगा सड़क बनी है 18-20 घंटे भी नहीं हुए थे, 20 घंटे के अंदर अंदर इस सड़क को तोड़ने का काम शुरू हो चुका। 3 दिन पहले बनी नहीं और परसों शाम बनी और कल इसमें खड्डे जो है हो गए, वो देख के अच्छा, लड़के जैसे स्कूटर चलाते और ब्रेक लगा रहे हैं तो पपड़ी भी साथ मारी, तो हमें ऐसा लगता है ये सड़क बनी है रात में और टूटी मिली प्रभात में, सड़क बनी जो रात में टूटी मिली प्रभात में, जब जैसे ही ब्रेक लग रहे और छिलके आ रहे साथ में, और 12 रुपए का काम हुआ है उसके बिल लग रहे 60 में, ऐसी ये सड़क बनी घटिया बेकार। और टिहरी जनपद के गांव सोंधी को उत्तरकाशी जनपद में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें 20 सालों के लंबे संघर्ष के बाद गाँव वालों के हिस्से में ये खुशी आई है, लोग एक दूसरे को मिठाई बांटकर बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोंधी गांव उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, पर परिसीमन के आधार पर ये गांव टिहरी जनपद में था, जिसके कारण स्थानीय लोगों को सरकारी कागजात बनवाने के लिए 130 किलोमीटर दूर टिहरी जाना पड़ता था। स्थानीय लोगों ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अब ये गाँव उत्तरकाशी जनपद के डूंडा विकास खंड में शामिल कर दिया गया, जो कि जनपद टिहरी में पड़ता था लेकिन लगा हुआ उत्तरकाशी से था,
हम अपने गाजना क्षेत्र के जो हमारे दूर के गांव हैं, सिरकाल खाल की तरफ भैंत है, न्यू है, उल्याण है, वहां हम बहुत वो दूर था और सौंधी बहुत नज़दीक था, लेकिन अब उस समय जब जिले का विभाजन होगा तो कत्पे कारण से सौंधी गांव जो है उस समय जो है टीरी में चले गया और उन लोगों को बहुत उनकी बहुत ऐसी त्रासदी थी गांव की कि उनको काफ़ी बहुत लंबी दूरी तय करके नई टीरी या प्रताप नगर जाना पड़ता था। उत्तरकाशी उनके लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन हर बात के लिए उत्तरकाशी आते, लेकिन उत्तरकाशी में उनके काम नहीं होते, उनको नई टीरी जाना पड़ता था। पूरी है, और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को, मीडिया के लोगों को, पहले बार हमारे दूरस्थ गांव सोनी में पहुँचे हैं, उसके लिए आप बधाई के बात रहें। और हमने क्या पूरे ग्राम पंचायत ने 2002 से हमने त्योड़ी सरकार से मांग की थी कि इस गाँव को उत्तरकाशी में होना चाहिए, क्योंकि मुख्य बाजार जो हमारा धोंतरी हो गया, जनपद उत्तरकाशी जो है एकदम नज़दीक लगा हुआ, तो इस समय जो है उस समय से हम बार बार जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय जो है जूझ जारी हो चुका है और हमारा गांव जो उत्तरकाशी जनपद में सम्मिलित हो चुका है। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, पहली बार स्वागत है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग उत्तरकाशी में सम्मिलित हुए छा, ये हम बहुत बड़ी खुशी छे और आप लोगों की ग्राम सभा में बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कितनी परेशानी होती थी आप लोगों को? पहले बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कम से कम हमको यहाँ से जो है 135-140 किलोमीटर टेरी पड़ता हमारा। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे विकास नगर की, जहाँ पुलिस क्षेत्राधिकारी ने विकास नगर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा जब्त अवैध हथियार और दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें सभी अभिलेखों को क्लीन और क्लियर पाया गया, इसके साथ ही दस्तावेजों में दर्ज सभी अवैध हथियार सुरक्षित पाए गए। आज विकास नगर थाने का हमारे द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया और इनका काम जो अभिलेख हैं बहुत अच्छे सफाई से रखे गए हैं तथा अद्यावधिक है और जो भी छोटी मोटी कमियां हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।